हाइक्यू एपिसोड 1 के पहले सीन में हम हिनाता को वॉलीबॉल कोर्ट पर देख सकते हैं, तो उसके बाद हम इस एपिसोड का नाम पता चलता है जिसका नाम है एपिसोड 1 द एंड एंड द बिगिनिंग। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर हिनाता को साइकिल चलाता हुआ देख सकते हैं, तो उसी टाइम पर हिनाता टीवी पर स्प्रिंग हाई स्कूल नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट को देख लेता है। तो उस वॉलीबॉल टूर्नामेंट को देखने के बाद हिनाता को बहुत इंटरेस्ट आने लगता है, तो कुछ देर बाद हिनाता का दोस्त उसको बुलाने लगते हैं, तो उसके बाद हिनाता अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड पर खेलने के लिए चला जाता है। कुछ साल बाद हम हिनाता और उसका दोस्तों को एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट पर खेलने के लिए आते हुए भी देख सकते हैं, और उस टाइम पर हम हिनाता को बहुत खुश होते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हिनाता का दोस्त तो ये भी कहते हैं कि उन लोग को वॉलीबॉल का रूल भी नहीं पता है, और ये सब सुनने के बाद हिनाता कुछ देर के लिए शॉक होने लगता है। तो कुछ देर बाद दूसरा टीम का मेंबर भी उस कोर्ट पर आ जाते हैं। तो उसी टीम के अंदर हम कागेयामा को भी देख सकते हैं, और सभी लोग कागेयामा को किंग भी कहने लगते हैं। तो उसी टाइम पर हिनाता को लूज मोशन होने लगता है, जिसकी वजह से हिनाता टॉयलेट पर चला जाता है। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर हिनाता को रेस्टरूम पर देख सकते हैं, तो उसी टाइम पर हम दूसरा टीम का मेंबर को भी उसी जगह पर देख सकते हैं, और वो सभी लोग हिनाता का मजाक भी उड़ाने लगते हैं। तो कुछ देर बाद कागेयामा भी उस जगह पर आ जाता है, और उसी टाइम पर कागेयामा अपनी टीम को मेंबर को कोर्ट पर भी बुलाता है, और उसी टाइम पर हिनाता कागेयामा को वॉलीबॉल मैच पर चैलेंज भी करने लगता है। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर हिनाता और उसका दोस्तों को वॉलीबॉल कोर्ट पर प्रैक्टिस करते हुए देख सकते हैं, तो उसी टाइम पर उन लोग को ये भी पता चलता है कि कागेयामा एक सेटर है। तो उसी टाइम पर हम कागेयामा के सामने उसका कोच को भी देख सकते हैं, और उसी टाइम पर उसका कोच ये कहता है कि तुम्हें स्पाइकर को बहुत अच्छी तरह से बॉल सेटअप करना होगा। तो कुछ देर बाद वॉलीबॉल मैच भी शुरू हो जाता है, और हम हिनाता को टीम मेंबर को फर्स्ट पॉइंट ही हारते हुए देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हम हिनाता अपनी टीम मेंबर को चेयर अप करता हुआ भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हम हिनाता का फ्लैशबैक स्टोरी को भी देख सकते हैं, जहां पर हिनाता अपनी स्पोर्ट टीचर के साथ वॉलीबॉल के बारे में बातें करने लगता है। तो उसी टाइम पर हम हिनाता को वॉलीबॉल प्रैक्टिस करता हुआ भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हिनाता अपने दोस्तों को स्पाइक प्रैक्टिस करने के लिए भी बुलाने लगता है, पर उस टाइम पर उसका दोस्तों दूसरा गेम पर ही फोकस करने लगते हैं। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर हिनाता और उसका दोस्तों को स्कूल पर देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हिनाता को हेल्प करने के लिए उसका दोस्तों भी आ जाता है, और उसी टाइम पर हम हिनाता को स्पाइक प्रैक्टिस करता हुआ भी देख सकते हैं। तो उसके बाद हम प्रेजेंट टाइम पर आ जाते हैं, जहां पर हम हिनाता को वॉलीबॉल गेम पर स्पाइक शॉट को यूज करता हुआ देख सकते हैं, पर हिनाता का शॉट को ओपोनेंट बहुत आसानी से ही ब्लॉक कर देते हैं, और ये सब देखने के बाद हिनाता कुछ देर के लिए शॉक हो जाता है। तो उसी टाइम पर हम हिनाता का टीम मेंबर और उसका ओपोनेंट का स्कोर बोर्ड को भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हम हिनाता का दोस्तों हिनाता को चेयरअप करने के लिए आते हुए भी देख सकते हैं। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर कागेयामा का टीम मेंबर को मिस्टेक करता हुआ देख सकते हैं, और ये सब कुछ देखने के बाद कागेयामा अपनी टीम मेंबर को डांटने लगता है। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर हिनाता का टीम मेंबर को बॉल रिसीव करते हुए भी देख सकते हैं, पर उस टाइम पर हिनाता उस बॉल को रिसीव नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो कोर्ट पर ही गिर जाता है। तो ये सब होने के बाद हिनाता के अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आने लगता है। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर हिनाता को अपनी टीम के लिए एक पॉइंट को ले आता हुआ भी देख सकते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हिनाता का टीम मेंबर का पॉइंट बढ़ने लगता है, और ये सब कुछ देखने के बाद कागेयामा को बहुत गुस्सा आने लगता है, और उसी टाइम पर कागेयामा अपनी टीम मेंबर को ये भी कहता है कि हिनाता ने उन लोग का पॉइंट को स्टील किया है। तो उसके बाद दूसरा सर्विस शुरू हो जाता है, और उसी टाइम पर हम हिनाता को स्पाइक मारने के लिए रेडी होता हुआ भी देख सकते हैं, पर उस टाइम पर हिनाता का शॉट आउट ऑफ बाउंस हो जाता है, जिसकी वजह से उनका टीम उस गेम पर हार जाते हैं। तो हिनाता का स्किल देखने के बाद कागेयामा भी कुछ देर के लिए शॉक हो जाता है, और उसी टाइम पर कागेयामा हिनाता के साथ बातें करने के लिए भी आ जाता है। तो वॉलीबॉल टूर्नामेंट पर हारने के बाद हिनाता वॉलीबॉल कोर्ट से बाहर आ जाता है,
और इसी टाइम पर हम कुरुसुनो हाई वॉलीबॉल टीम का मेंबर भी उन दोनों का ही मैच को देखते हुए भी देख सकते हैं। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर हिनाता को वॉलीबॉल कोर्ट से बाहर आता हुआ भी देख सकते हैं। तो कुछ देर बाद कागेयामा और उसका टीम मेंबर भी उस जगह से बाहर आ जाते हैं। तो उसी टाइम पर हिनाता कागेयामा को ये भी कहता है कि वो एक बार कागेयामा को हराएगा। तो हिनाता के सारे बात सुनने के बाद कागेयामा भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी से उसको रिप्लाई देने लगता है। कागेयामा हिनाता को ये कहता है कि तुम्हें उस गेम पर बहुत अच्छी तरह से खेलना होगा। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर हिनाता को वॉलीबॉल प्रैक्टिस करता हुआ देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हिनाता वॉलीबॉल प्रैक्टिस करने के लिए वुमेन टीम पर भी चला जाता है। तो बहुत टाइम तक प्रैक्टिस करने के बाद हिनाता अपनी स्कूल से ग्रेजुएट भी हो जाता है। और हम उसके बाद दूसरा सीन पर हिनाता को मियागी परपेक्चुअल कुरासुना हाई स्कूल पर आता हुआ भी देख सकते हैं। तो उस स्कूल के अंदर आ जाने के बाद हम हिनाता को सीधा ही वॉलीबॉल कोर्ट पर चलता हुआ देख सकते हैं। और उसी टाइम पर हम कागेयामा को उस कोर्ट पर प्रैक्टिस करता हुआ भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हिनाता भी कागेयामा को उस वॉलीबॉल कोर्ट पर प्रैक्टिस करता हुआ भी देख लेता है। और ये सब कुछ देखने के बाद हिनाता भी कुछ देर के लिए शॉक हो जाता है। तो उसके बाद इस एनिमे का एपिसोड ख़त्म हो जाता है और हमें दूसरा एपिसोड का कुछ प्रीव्यू इमेजेस को भी देख सकते हैं। और हमें दूसरा एपिसोड का नाम भी पता चलता है जिसका नाम है एपिसोड 2 कारासुनो हाई स्कूल वॉलीबॉल टीम।